सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है जो लोग सबसे ज्यादा फ्री में हर चीज फाइंड करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है कॉपर के वायर, फाइबर स्लिप एकदम कहां से फ्री में फाइंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर एक बोया माइक का गिव अवे भी चल रहा है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट से जाइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू चैनल भी क्रिएट कर रखा है जिसपे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज एक बार उस चैनल को भी जाके देख लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट आता है एक्सपेरिमेंट में तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वो आपकी मर्जी है। ओके फ्रेंड्स, उस चैनल का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस, बिना करे आपको वो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। ओके गाइस, तो गाइस ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप। बट उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको एक फ्यूज ट्रांसफार्मर लेना है। पहले नंबर पर तो हम इसमें से फाइबर स्ट्रिप निकाल ली है। ओके गाइस, और जो सेकेंड नंबर पर है वो हमारा कॉपर वाला वायर। ओके फ्रेंड्स, जो कि हम इसमें से निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रांसफार्मर है, दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर सेकेंडरी वाइंडिंग, और सब इनके टाइप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे को ज़्यादातर लगता है और बुक्स में भी दिया हुआ है कि सबसे पहले इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो फ्यूज होती है, और मेरे को लगता है इसमें भी जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वही फ्यूज हुई है। बट जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एकदम सेफ रहती है, और देखेंगे कि इसमें कौन सी वाइंडिंग फ्यूज हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो, मेरे को लगता है फर्स्ट ही वाली ही फ्यूज हुई है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन कर लेते हैं, और गाइस फटाफट से इसमें से हम अपने जो कॉपर वाला वायर है उसको निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो का मजा लीजिए। एंड गाइस, अगर आपके मन में कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप जो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, तो उसमें आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बट इसके ऊपर ट्रांसफार्मर का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फुल्ली डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी कितनी वाइंडिंग्स होती हैं, कौन सी वाइंडिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में खाली मैंने एक ट्रांसफार्मर को ओपन करके दिखाया है और जिसके अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता वो सब दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है और क्या नहीं है। और मैंने जो है अपना जो जर्दी एक्सपेरिमेंट चैनल है उस पर इसके बारे में कि इसमें जो हमारा कॉपर का वायर कितना निकलता है, कितना सारा लोहा, आयरन, क्या सब निकलता है, वो सब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, उस पर जाके देख लेना अगर आप एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो का मज़ा लीजिए। Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. It's faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. So friends, video को एक like कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है। और फ्रेंड्स, इसकी जो लेयर्स हैं मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से निकाल दिए हैं, और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप जो काफ़ी इजीली इसको ओपन कर सकते हो। और इसकी जो फर्स्ट लेयर थी वो मैंने यहाँ से निकाल दी, काफ़ी इजीली निकल जाएगी। और जो सेकंड वाली है उसको भी देख सकते हो, काफ़ी इजीली निकल जाएगी। जब आप फर्स्ट को निकाल लोगे तो सेकंड वाली तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देख सकते हो जो हमारा ट्रांसफार्मर है एकदम खाली हो चुका है, यानी जो ओपन हो चुका है। और गाइज, इसकी जो देख सकते हो फर्स्ट वाली वाइंडिंग यहाँ पे फ्यूज हुई है। और गाइज, इसकी अंदर से देखे कितनी गजब लुकिंग लग रही है। पीसीबी बोर्ड से बना हुआ है अंदर से। ओके, तो देख सकते हो इसकी लुकिंग यार अंदर से कितना गजब लग रहा है गाइज।
देखने लायक चीज़ है, बट गाइज हमको इसको तोड़ फोड़ करना है बस। सो चलिए अब फटाफट से इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको ओपन करते हैं। यकीन मानिए गाइज, इसकी दोनों वाइंडिंग्स को खोलने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगा था यार, बहुत ज़्यादा वायर निकला इसके अंदर गाइज, यकीन मानिए बहुत टाइम लगा था इसको खोलने में। तो देख सकते हो इस तरीके से मैं जो इसको ओपन कर रहा हूँ अंदर से, देखो गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है ये वाला वायर। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और अब करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से करते हैं। और गाइस देख सकते हो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो तो एकदम यहाँ पे सेफ लगी हुई है गाइस, और देख सकते हो कितना अमेजिंग हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे लग रही है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो का मजा लीजिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हो इतना सारा हमारा कॉपर का वायर इस ट्रांसफार्मर के अंदर से निकला है। ओके और गाइज ये बचा है हमारा ट्रांसफार्मर का खोखा। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।